तो महमूद खान का आप सभी को नमस्कार। बच्चों की सलामत हो गया। आज हम जहां सांप पकड़ने का वहाँ घटना स्थल पर डपोड़ा किशनपुरा के अंदर आए हुए हैं। ये रहता डपोड़ा गांव की ओर जा रहा है, ये रहता रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा है डपोड़ा, और हम सांप पकड़ने किशनपुरा और प्रयाण कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, महमूद खान का आपको नमस्कार। आज हम मेहसाणा जिला के खेराल तालुका डपोड़ा गांव के अंदर केसरपुरा में आए हुए हैं, और सामने जहां पब्लिक खड़ी हुई है वहीं पे एक सांप आया हुआ है। अभी तक हमने देखा नहीं कौन सा सांप है, खतरे वाला खतरे बिना का, मगर कोई भी सांप होगा उसको हम सही सलामत पकड़ेंगे और इस डब्बे के अंदर हम सही सलामत इसको पूरेंगे। इस डब्बे के अंदर हम कैद कर इसको सही सलामत जहाँ कोई इंसान आता जाता रहेगा कुदरती वातावरण के अंदर इसको हम रिलीज कर देंगे। हम सांप का रेस्क्यू करने अंदर जा रहे हैं। दोस्तों, अगर किसी को सांप काट जाता है तो कोई जंतर मंतर या जादू को विश्वास करना नहीं। दर्दी को हॉस्पिटल रवाना करना तो इंसान की जान बच सकती है। अब चौमासे की सीजन शुरू हो गई, हमारा नंबर ऐड करिए। हमारा नंबर है 94263 पर कॉल कीजिए। हम आएंगे, सांप को पकड़ेंगे और सही सलामत जंगल के अंदर छोड़ देंगे। हम सांप का रेस्क्यू करने अंदर जा रहे हैं। दोस्तों, हम घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सामने दो मेंढक है, गुजराती भाषा में इसको डिटका बोलते हैं। इसको खाने के लिए सांप इसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया, और इस थैली के पीछे एक सांप आया हुआ है। हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सामने सांप आ रहा है, ये भारत का स्पेक्टिकल कोबरा सांप है। सामने मेंढक है, डेढ़का है। सामने देखिए सांप और डेढ़के की जोड़ी है। जब हम इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों डेढ़का का मारण किया है। देखिए एक और डेढ़का निकला, तीसरा भी डेट का निकला है। दोस्तों पीछे पड़ा हुआ कोबरा सांप सही सलामत हमने इसको पकड़ लिया है, और ये 5 से 6 फुट लंबा कोबरा जाति का सांप है। भारत का इंडियन प्रैक्टिकल कोबरा सांप है। ऐसी सावधान रहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, और हमारे जैसी नकल करने की कोई कोशिश मत करना। इस सांप को हम सही सलामत डब्बे के अंदर कैद कर रहे हैं। दोस्तों डब्बे के अंदर भी जा नहीं रहा है, बहुत ताकतवर है। दोस्तों, अगर किसी के घर में, कोई स्कूल में, कोई कारखाने में, कंपनी में, कहाँ भी सांप आवे तो हमारा नंबर है 94263 पर कॉल कीजिए। हम आएंगे, सांप को पकड़ेंगे और सही सलामत जंगल के अंदर ही तो हम छोड़ने की कोशिश कर देंगे। कोई नहीं करने के लिए सांप दौड़ कर इस सामने वाले घर के अंदर घुस गया था, और घर मालिक ने हमें कॉल किया। हम आए, हमने सांप को भी सही सलामत पकड़ लिया है, और इसको कोई मारे नहीं, क्योंकि दुनिया में सांपों को बचाना पड़ता है। दुनिया में सांप है तो इंसान है, इंसान है तो सांप है, लेकिन सावधानी रखनी ज़रूरी है। तो इस सांप को हमने बरणी के अंदर कैद कर दिया है,
और बड़ी गदर कैद कर कर इसको भी जिंदा रखने के लिए हम इसको हवा उजास के लिए होल पाड़ेंगे, क्योंकि आज ये बड़ी नवी नवी है इसीलिए होल रखे नहीं है, क्योंकि सांप को हम रोज के 4 से 5 सांप को हम रेस्क्यू करते हैं और सही सलामत बचाते भी हैं, हमारी जान की परवाह करे भी ना हम इस सांपों को पकड़ कर हम सही सलामत जंगलों के अंदर छोड़ देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुकाम केशवपुरा डभोरा, मारो नाम लक्ष्मण जी चिलाजी ठाकुर, मैं तालुको खेरालू जिलो महसाणा। हाँ, आप तीन चार दावा थी आएलो तो कि आज अब खेराल की टीम बोला है ना पकड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस शाम को हम 10 से 15 मिनट के अंदर जंगल विस्तार के हवाले कर देंगे, कुदरती वातावरण चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं अहमद खान का आपको नमस्कार। अभी अभी हमने डबोड़ा केशवपुर अजय जी कोबरा सांप का रेस्क्यू किया था, जो 5-6 फुट लंबा है, उसको हम जंगल के अंदर छोड़ रहे हैं। देखिए जंगल के अंदर इसको रिलीज कर दिया है और सांप की जान बचाई है। आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो के साथ शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद। जय जय भारत। सबका कहना भूलना नहीं, आओ जो पर्यावरण माटे एक झाड़ जरूर थी वावजो, जरूर थी वावजो, जरूर थी वावजो। आवता जमाना नो एसी छे।